मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ प्रभु के चरणों में सुबह के समय इन गंभीर परिस्थितियों के मध्य में आने का प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के वचन के लिए लूका रचित सुसमाचार 15:12 हम पढ़ें। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। इधर हम तीसरे दृष्टांत को हम पढ़ रहे हैं और ये दृष्टांत भी वही उद्धार के संदेश को हमारे सामने प्रकट कर रहा। बाकी दृष्टांतों की तरह ये भी हमें एक जैसा ही लगेगा, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता से हम उसकी गहराई को जरा समझें। हम इस दृष्टांत से सब परिचित हैं, उस उड़ाव पुत्र के बारे में जो अपने हक को लेकर, अपने बाप से हक को लेकर दूर के देश में चला गया और अपना जो कुछ था सारा कुछ उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर गया और अकाल आई, उसके पास कुछ नहीं है और उस भूख के बीच में एक मन फिराव, एक पछतावा कि मैंने किया क्या है, और अपने बाप के घर वापस आता है। और जब वापस आता है वो देखता है कि उसका बाप उसके लिए, अपने खोए हुए पुत्र के लिए प्रेम के साथ इंतजार कर रहा। और ये दृष्टांत सिखाता है कि स्वर्गीय पिता हमें कितना प्यार करता है, अपने उड़ाव पुत्र को जो खो गया था वो जब वापस आया कैसे स्वीकार किया। इस दृष्टांत को समझना है तो पहले और दूसरा दृष्टांत समझेंगे तो ही ये समझ में आएगा। उद्धार का संदेश ये तीन दृष्टांतों के साथ ही पूरा होता है। पहला दृष्टांत स्वर्गीय पिता का, हमारे उद्धारकर्ता का, वो प्यार को दिखाता है जो अपने 99 भेड़ों को छोड़कर खोए हुए भेड़ के पीछे जाता है। और दूसरा दृष्टांत हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम, कि कैसे पवित्र आत्मा सुसमाचार के, परमेश्वर के वचन के उस प्रकाश के द्वारा हम जो धूल में, अंधेरे में पड़े हुए थे, हमें कैसे खोज निकाला। और तीसरा दृष्टांत खूबसूरती से इस संदेश को पूरा करता है और दिखाता है कैसे वो उड़ाव पुत्र, मन फिराव उसके जीवन में आता है, पछतावा आता है और अपने बाप के घर में टूटे दिल के साथ आता है और पिता का प्रेम उसे वापस बहाल करता है जब वो वापस आता है। ये उड़ाव पुत्र अपने आप पछतावे में नहीं आया, वो परमेश्वर की आत्मा का काम था, हमने दूसरे दृष्टांत से सीखा है। हम परमेश्वर के सारे दिव्य सत्य को एक ही साथ समझ नहीं सकते। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु सरल दृष्टांतों के द्वारा हमें ये गंभीरताएं सिखाते हैं, भाषा को और सरल कर ताकि हम सब समझ सकें। और हम अगर ये सत्यों को प्रार्थना के साथ सीखेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता के लिए है, जो हमें आत्मिक तौर पर बढ़ने में और मदद करेगा। आइए दृष्टांत को प्रार्थना के साथ जरा देखें। इधर हम पिता को देखते हैं जो स्वर्गीय परमेश्वर की छाया है, जो सबको एक जैसा प्यार करता है, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो। इधर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को यह सिखाना चाहते हैं कि वो उन्हें भी प्यार करते हैं और पापी और चुंगी लेने वालों को भी एक जैसा प्यार करते हैं। और ये सत्य हमारे मन में भी रहना है कि सारा मानव जाति परमेश्वर के संतान है। और जब एक खोया हुआ पापी वापस आता है, स्वर्ग कितना आनंदित होता है। सो आइए हमारे आसपास के लोगों को जरा देखें, वो हमारे खुद के भाई बंधु हैं, बेशक उनका धर्म, समाज, भाषा, देश कोई भी हो। इधर इस उड़ाव पुत्र को देखते हैं जो पापी का छाया है और हम सब के लिए खड़ा है जो पाप के बंधे हुए थे। इधर वो अपने बाप से अपना हक मांगा और वो हक क्या है, जो उसको सामने नजर आया। वैसे हम पापियों के साथ भी, हम भी, हमारे सामने जो वर्तमान चीजें दिखती हैं हमारी खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए, उसी को हम मांगते हैं। वो अपने बाप के साथ के संबंध को महत्व नहीं देते हैं, ना ही उन्हें भविष्य के बारे में कोई चिंता है। इधर ये उड़ाव पुत्र अपने बाप से हक मांग रहा है। इसी तरह हम पापी भी परमेश्वर के सामने कई बार हक मांगने लगते हैं। हमारी सोच है आशीष हमारा हक है, और पिता से मांगने लगते हैं।
प्रभु ने दिए हुए चीजों के लिए कभी आभारी नहीं है, कभी उसको अनुभव भी नहीं कर पाते, क्योंकि करेंगे तो उन्हें परमेश्वर पर आश्रित रहना पड़ेगा। इधर हम बेटे को देखते हैं, पहले आदम की तरह वो आजाद रहना चाहता है, वो अपना ही परमेश्वर बनना चाहता है, वो परमेश्वर के अधिकार को अपने ऊपर चाहता नहीं और सिर्फ अपनी ही इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। आइए हम अपने आप को जांचें कि हमारी भी सोच इस प्रकार की है। बेशक हम अपने आप को परमेश्वर के संतान कहते हैं, क्या हम पिता के उस अधिकार का पालन करेंगे, अधीन रहेंगे, या हम प्रभु से आशीषें ही मांगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह हमारा हक है। क्या हमारी प्रार्थनाएं हमारी संपूर्ण आज्ञाकारिता को, अधीनता को, परमेश्वर के प्रति अधीनता को दिखाता है? आइए हम पाप को अपने जीवन में राज्य करने ना दें, जिस प्रकार आदम के जीवन में पाप ने राज किया। हम आखिरी आदम के कद तक हम सबको बढ़ना है, जो पिता की इच्छा के लिए मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। उसके लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन गंभीर परिस्थितियों में एक और दिन, और आपका वचन, उस बहुमूल्य उद्धार को जो आपने दान में दिया प्रभु, इस गंभीरता को समझने के लिए और आपके आज्ञाओं के अधीन रहने के लिए, आपकी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर। प्रभु, आसपास जब इतने लोग परेशान, निराश, हताश हैं, प्रभु हमारा जीवन उन एक एक के लिए आशीष का कारण हो। वो सब हमारे भाई, हमारी बहनें हैं। इन स्थितियों में जो हमें करना है वो करने के लिए ज्ञान और समझ हमें एक एक को दे। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु का आगमन नज़दीक है, हम आसपास चिन्ह देख रहे हैं। प्यारे अजीजों, ये हमारे भाई, ये हमारे बहन हैं, ये हमारे कुटुंबी हैं। बेशक धर्म, समाज कुछ भी हो, हम हर एक का कर्तव्य बनेगा कि हम भी, हमसे जो कुछ हो सके इन दिनों में, हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। जब सरकार कुछ नहीं कर रही, लोग बेहाल हैं, हम इधर उधर देखते ना रहे, जो काम हमने करना है वो काम को हम करें ताकि लोगों को तसल्ली हो सके। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।